पूर्णिया में लूट और हत्याएं जैसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। प्रशासन भले ही इसके लिए काफ़ी प्रयास कर रहा हो, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हैं वो नहीं रुक रही है। पूर्णिया के केनगर थाना अंतर्गत परोड़ा गांव के अवधेश यादव की भी हत्या करके उनके शव को नदी में फेंक दिया गया था और लगभग 4 दिन के बाद उनका शव बरामद हुआ है। शव बरामद होने के बाद पुलिस आई है और जो जांच की प्रक्रिया है वो की जा रही है, लेकिन उनके परिजन यहाँ हैं और कई लोग गांव के भी हैं। तमाम लोगों का ये भी कहना है कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, उन लोगों का नाम इसमें पुलिस को बताया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जमीनी विवाद के मामले को लेकर इसकी हत्या की गई है। जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि पूरा जो मामला है वो क्या है। वो पहले जो है अवधेश यादव उर्फ मटरू यादव 23 नवंबर को घर से ड्राइवर के साथ में, अपने ट्रैक्टर ड्राइवर के साथ में घर से बाहर निकला था। ड्राइवर बोला हम गाड़ी लेके मतलब मेला जाएंगे, लेकिन उसी के साथ में अंतिम समय में निकला और उसके बाद से तभी से लापता था। फिर जब 2-3 दिन हम लोग थाना में भी आवेदन दिए, प्रशासन के द्वारा भी खोजबीन की जा रही थी, हम लोग भी अपने स्तर से खोजे, तो आज पता चला कि यहाँ नदी के किनारे लाश बॉडी पड़ा हुआ है। अच्छा, इस बीच में जो 3 से 4 दिन बीता, इस बीच में आप लोग उनको खोजने का प्रयास किए होंगे, ड्राइवर से पूछे भी होंगे? हाँ, सबसे पूछे। तो ड्राइवर क्या बता रहा? पूछने के दरमियान में पता चला कि ड्राइवर बोल रहा था हम उसके साथ नहीं है, लेकिन दोनों साथ ही निकला था। उसके बाद पुलिस भी उसको हिरासत में लिया है, पूछ रहा है। तो ड्राइवर बोल रहा है क्या कि हम उनके साथ में नहीं गए थे, लेकिन गाड़ी कहाँ बरामद हुआ? गाड़ी जो है उसका मोटरसाइकिल ड्राइवर के पास से बरामद हुआ, उसके घर में। मटरू यादव जो है ड्राइवर को छोड़ने के लिए ड्राइवर का घर पर आया, घर पर छोड़ने के बाद मोटरसाइकिल का तेल खत्म हुआ। उस दरमियान में संजय मिस्त्री है, उनको धरा दिया कि दोनों आदमी पैदल साथ में घर चले जाइए। ड्राइवर का कहना है। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद संजय को भी उठा के पुलिस ले गया और ड्राइवर को भी ले गया, तो संजय कहता है मेरे साथ नहीं था, और ड्राइवर उसका मुंह पर कर रहा है कि मेरे हम जो है संजय को दिए हैं, साथ लगा दिए। तो ये कहीं ना कहीं ड्राइवर का भी लग रहा है कि इसमें। हाँ, ड्राइवर अब वो जी दोनों में मैटर है कि वो दोनों कैसे सॉल्व कर। ये बताइए, पुराना विवाद अवधेश जी के साथ किनका था और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे? पुराना विवाद तो जमीनी मामला था, वह यादव है, फुचो यादव। अच्छा, बताइए क्या मामला है भाई? है तो जमीन संबंधी 5 कट्ठा जमीन जो है कार्य यादव का भाई खंतर यादव से लिए हुए थे, ठीक है। वो जमीन जो है उनका बल प्रयोगी के दरमियान में कार्य यादव उनका बेटा फुचो यादव जोतने से नहीं दे रहा था, लेकिन उस जमीन के मामला में कई बार जो है मार भी हो चुका है, मुकदमा भी हो चुका है, कपार भी फूट गया है। हाँ, वही दरमियान में फुचो यादव जो है इस प्लॉट नदी की उस पार में शनिवार 23 तारीख को मटू यादव के साथ, अवधेश यादव के साथ बहस भी किया है। बहस करने के बाद उसी रात में अवधेश यादव का मर्डर हो जाता है। तो इसमें क्या लग रहा है कि आपका ड्राइवर जो था वो भी शामिल है, बाकी और लोग शामिल हैं? कौन कौन और शामिल हो सकते हैं इसमें? उसमें फुचो यादव, उनका भाई नन्ही, और उसके बाद उनका दामाद बनवनखी का भी है, वो भी शामिल है। ये सब मिलकर के घटना को अंजाम दिया है? हाँ, संजय समेत और ड्राइवर समेत। अच्छा, इस दरमियान जब आप लोग पूछते रहे ड्राइवर से, तो कुछ बताता रहा या फिर आप लोगों को बरगलाते रहे? नहीं, दरमियान में पूछे ड्राइवर से, तो ड्राइवर बोले कि हमने जो है मटू यादव को संजय के हाथ में लगा दिए हैं। अच्छा, केस भी आप लोग पहले किए हुए थे लड़े, तो उन्होंने किनका किनका नाम है केस में? केस में नाम जो है ड्राइवर का, संजय का, उसके बाद देवानंद का। ड्राइवर के पिताजी भी हैं? पिताजी भी उनके हैं, ठीक है। आप पूछो ज़्यादा बोल के नन की ज़्यादा। अच्छा, डेड बॉडी को देखने से क्या लग रहा है, किस तरह से उनकी हत्या की गई अवधेश जी की? डेड बॉडी से देखने के बाद यह पता चल रहा है कि उनको मार दिया गया है, उसके बाद फांसी उनको दिया गया, चाप चढ़ाया गया है। मारपीट का भी निशान है? मारपीट का भी निशान है। तो इस बीच में आप लोग पुलिस में गए होंगे, तो पुलिस की जो भूमिका रही वो क्या, जाँच पड़ताल के लिए, खोज के लिए, अवधेश जी की खोज के लिए, अभी तक क्या किया? पुलिस का भूमिका तो यही नज़र में आया कि जैसे पुलिस को कन्फर्म किए, पुलिस तो आए, लेकिन पुलिस यहाँ तक नहीं खोज पाया कि ये अभी तक में लाश बॉडी कहाँ है, लेकिन हम लोग ही प्रयास करके लाश बॉडी को खोजें। आप लोग खुद ही खोजें? खोजें, हम लोग अपने खोजें। बॉडी आप लोग खोज के दिए हैं जी? आज बरामद हुआ है? आज बरामद हुआ है, कल भी भर दिन खोजे। पुलिस को यह कन्फर्म परसों ही दिए गए थे, परसों से, परसों तो चले गए, कल जो है वह
अच्छा अभी कौन कौन पुलिस की गिरफ्त में आया है, जो जितना आरोपी है उनमें से किसी को पकड़ा भी है इस मामले में? हाँ, दो आदमी पकड़ा है। किन किन को पकड़ा है? ड्राइवर है और उसके बाद संजय। ड्राइवर का नाम बोलिए। तो ये लोग दो आदमी पकड़ाया है अभी जी। बाकी और लोग, आप लोगों का कहना है कि वो लोग भी हत्या में शामिल है जो कि अभी फरार है? कि आप घर में है, वो लोग कहाँ है? फरार है अभी? क्या फरार है? तो आप लोगों का मतलब जो ये आरोप शक है कि निश्चित रूप में वही लोग हत्या किया है, तो वही लोग किया है, दूसरा और कोई नहीं कर सकता है? किसी और से इनका विवाद नहीं था? नहीं, और किसी से विवाद नहीं। आपको भी कभी घर पे आकर के धमकी वगैरह दिया गया था क्या? उनको कहते थे ये जमीन जो है तुमको भोगने नहीं देंगे, नहीं तुमको रहने देंगे। कार्य ज्यादा के बेटे कार्य ज्यादा बोलते थे, वैसा ही किया। यानी कि आप लोग का कहना है कि वही लोग हत्या किया? वही लोग बार बार झंझट हुआ जमीन पर, वो कहा जमीन को तुमको बहुत बिलास करना, जमीन तुम लोग बहुत बिलास नहीं करने नहीं देंगे, आज न कल तुमको साफ कर देंगे, साफ बोला है। आज इस तरह का घटना हो गया आदमी आदमी के साथ। तो आप लोग पहले नहीं दिए थे पुलिस में कि सारा इस तरह की धमकी हम लोगों को दी जा रही है? केस मुकदमा चल ही रहा था। चल ही रहा है उसका जी, केस मुकदमा चल ही रहा है। और इसी बीच में घटना को अंजाम दिया है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है श्री नारायण यादव। आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हम बालू घाट के रहने वाले हैं। कौन है? मेरा भगना है। भगना है जी। तो ये देख रहे हैं कि अवधेश यादव की हत्या हुई है और उनका शव बरामद करने के बाद पुलिस जांच कर रही है और पहले तो पोस्टमार्टम कराने की जो प्रक्रिया है उसको की जा रही है, उसके बाद शव को परिजनों को सौंपा जाएगा। और इस मामले में कहा जा रहा है कि दो लोगों को पकड़ा गया है, जमीनी विवाद का मामला था और पहले से भी इस मामले में केस वगैरह चल रहा है, कार्रवाई भी हो रही थी, लेकिन इसी बीच इस घटना को अंजाम दिया गया है। और इसमें जो अहम है वो ये कि इनका जो ड्राइवर भी इसमें शामिल है, तमाम लोगों का ये शक है कि ड्राइवर इसमें शामिल निश्चित रूपेण है और उन्हीं के सहयोग से इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो पुलिस की गिरफ्त में वो ड्राइवर भी आ गया है, एक बाकी और जो एक आरोपी है उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बाकी और जो कितने लोग इसमें शामिल हैं उसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है, पुलिस जांच के बाद खुलासा हो पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कानून का डर अपराधियों में नहीं है और कानून को सीधे तौर पर हाथ में ले रहा है। तो ये निश्चित रूप में हम कह सकते हैं कि पूर्णिया में पुलिस प्रशासन को और मजबूत होना पड़ेगा, सख्त होना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की जो घटनाएँ हैं लगातार घट रही हैं, कई इलाके में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, डकैती का मामला हो रहा है, छिनतई का मामला हो रहा है, तो कई मामले इस तरह के हो रहे हैं, क्रिमिनल मामले। तो इसमें ऐसे मामलों को रोकने के लिए पुलिस जब तक कुछ ठोस कदम नहीं उठाती है तब तक अपराधियों में भय नहीं होगा, तब तक ऐसे मामले पर नियंत्रण लगाना मुश्किल होगा। कोसी आलोक के लिए सुमित के साथ में संजय कुमार।